छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर भिलाई 3 में एसडीएम कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौ सत्याग्रह किया। अहिवारा विधानसभा के चारों ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष एवं भिलाई चरोधन निगम महापौर निर्मल कोसरे विशेष रूप से शामिल रहे। महापौर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में गौवंश की स्थिति बदहाल सी हो गई है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के भिलाई चरोदा जामुल अहिवारा एवं नंदिनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गौ सत्याग्रह के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और भिलाई 3 में एकत्रित हुए। यहां पर खुले में घूमने वाले मवेशियों को सामने रखकर कांग्रेस नेताओं ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बिना किसी सूचना के बंद करने पर राज्य की मौजूदा सरकार के विरोध जमकर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। इस अवसर पर एसडीएम को सड़कों से पकड़कर लाए गए मवेशियों के साथ एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार को चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द खुले में घूमने वाले मवेशियों की सुरक्षा और उनके भोजन पानी का इंतजाम सुनिश्चित नहीं होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें एसडीएम कार्यालय, नगर निगम या फिर पुलिस थानों में लाकर छोड़ेंगे। गौ सत्याग्रह को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष एवं महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत और खुले में मवेशियों के कारण सड़कों में हो रही दुर्घटनाएं, आवारा मवेशियों से खेतों की चराई पूरे प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल घूम रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की ओर से संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया गया है। एक तरफ जहां किसान खुली चराई से परेशान है, वहीं सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ गई है। भाजपा की सरकार में गाय भैंस के साथ जनता भी सड़कों पर बेमौत मरने पर मजबूर है। आप लोगों ने आंदोलन किया, किस प्रकार का आंदोलन था, क्या उद्देश्य था? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो खुले में मवेशी जो विचरण कर रहे हैं, जिसे सड़क दुर्घटनाओं के कारण उन गौ माता की अकारण मृत्यु हो रही है, उनके साथ साथ आज छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं। आवारा मवेशियों से जो फसल की नुकसान हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन है, आँख में पट्टी बांधे हुई है। लगातार किसानों के फसल जो है वो बर्बाद हो रही है। उमेश सरकार के बनाए गए गौठान को द्वेषवश इन्होंने बंद कर दिया है और आज जब कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया और पूरे प्रदेश में, आदरणीय साथियों, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जब कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और मजदूरों के लिए तो लड़ाई लड़ती ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको गौ माता कहकर वोट बैंक की राजनीति करती है, उसकी चारा की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था जो गौठान के रूप में भूपेश सरकार ने बनाया था, उन गौठानों को आज बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है, लगातार मीडिया के साथ ही आप लोग लगातार प्रकाशित भी कर रहे हैं कि जिला प्रशासन उसके जिम्मेदार होंगे। जिला प्रशासन को दोषी उन्होंने ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तमाम पत्रकार साथियों ने उनको लाया भी है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जिला दुर्ग में 9 गायों की मृत्यु सिर्फ सड़क दुर्घटना में हुई है, क्या जिला प्रशासन को दोषी ठहराएगी? क्या उसके ऊपर हत्या का अपराध दर्ज होगा? क्योंकि ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। इसी को चेतावनी देने के लिए पूरे प्रदेश भर में आज इस डीएम कार्यालय में, अभी आपने देखा होगा जो मवेशी विचरण कर रहे हैं, शहर की स्थिति यह है तो गांव की स्थिति आप सोच लीजिए। हम लोगों की यही मांग है कि गौठान को चालू किया जाए और तमाम जो पशु है उनके लिए चारा की व्यवस्था किया जाए। इन्हीं मांग को लेकर हम लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर भिलाई चरोदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मढ़रिया, जामुल ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, अहिवारा ब्लॉक अध्यक्ष हीरा वर्मा, नंदिनी ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा गजबीये, महामंत्री पप्पू चंद्राकर, पार्षदगण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसीएन न्यूज के लिए शरेंद्र खरे की रिपोर्ट।